नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त चला है आज की मुख्य खबरों का। जॉइंट्स राष्ट्रीय सप्ताह का समापन समारोह सम्मान समारोह के साथ संपन्न हुआ। बुरहानपुर जॉइंट्स राष्ट्रीय सेवा सप्ताह कार्यक्रम समापन अवसर पर जॉइंट्स ग्रुप ऑफ बुरहानपुर एवं जन जागृति संस्था बुरहानपुर के संयुक्त तत्वाधान में जॉइंट्स चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित मुख बाधिर अंध विद्यालय के सभागृह में जॉइंट्स फेडरेशन अधिकारी डॉक्टर फोजिया सोडावाला एवं वरिष्ठ समाजसेवी व संस्था के वरिष्ठ सदस्य महावीर प्रसाद बांदिल के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जॉइंट्स अध्यक्ष शोभा चौधरी व जन जागृति अध्यक्ष सुनील सलूजा ने की। राष्ट्रीय सेवा सप्ताह समापन के अवसर पर देश के सैनिक रिटायर्ड जवान सत्येंद्र मिश्रा एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली शिक्षिका सोनल अग्रवाल का शाल श्रीफल व हार से सम्मान कर प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर फोजिया सोडावाला ने कहा कि हमारी संस्था द्वारा एक ऐसे वीर सैनिक योद्धा का सम्मान किया गया है जिसने इस देश को 25 वर्ष सेवा प्रदान की है। श्री सोडावाला ने कहा कि देश का जनमानस सभी चैन की नींद सोता है जब जल थल नभ की तीनों सेना देश की सुरक्षा में रत रहती हैं। सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महावीर प्रसाद बांदिल ने कहा कि आज हमारी संस्था ने एक ऐसी शिक्षिका का सम्मान किया है जिसने जीवन में यह प्रण लिया है कि मैं सभी विद्यार्थियों को गणित का शिक्षण निःशुल्क प्रदान करूंगी। कार्यक्रम के अवसर पर जॉइंट्स चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल एवं विगत कई वर्षों से मुख बाधिर अंदर विद्यालय को निःशुल्क चेकअप सुविधा प्रदान कर रहे डॉक्टर हर्ष वर्मा का इस अवसर पर सम्मान किया गया। समापन समारोह कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर अशोक गुप्ता, डॉक्टर किरण सिंह, मंगला दुबे, अरुण जोशी, रविंद्र महाजन के साथ साथ स्कूल का समस्त स्टाफ व प्यारे बच्चे छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल एवं सुंदर संचालन RS ठाकुर ने किया। उपस्थित जनों का आभार शोभा चौधरी ने माना और मुख बाधिर अंध विद्यालय का आभार सुनील सलूजा ने माना। संलग्न उपरोक्त कार्यक्रम के छायाचित्र। खबरों के लिए लाइव टीवी समाचार।